संसद रो मानसून सत्र अनिश्चित काल खातर स्थगित। लोकसभा अध्यक्ष सु प्रधानमंत्री समेत सत्ता पक्ष नेता और विभिन्न विपक्षी दलारा प्रतिनिधि सदन ने सुचारू रूप से चलावा समेत कई मुद्दा माथे करी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय उद्योग परिसंघ की वार्षिक बैठक ने कर रिया है संबोधित। उद्योगारा संबंधी विभिन्न पहलुआ माथे राखेला अपना विचार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधायकारा आवास हाउसिंग बोर्डर नगरी विकास परियोजना वर कर शिलान्यास। कया आवास योजना सु विधायका जनता ने मिलेली सुविधा। प्रदेश राज छह जिला में जिला परिषद सदस्य समेत 78 पंचायत समितियां में नामांकन भरभारी प्रक्रिया हुई शुरू। तीन चरण में वाला चुनाव। प्रदेश भर में हर्षोल्लास रे साथे मनाया जा रही है हरियाली तीज रो त्योहार। राज्यपाल कलराज मिश्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेशवासियों ने दीनी शुभकामना। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव शर्मा। समाचार अब है विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय उद्योग परिसंघ की वार्षिक बैठक ने संबोधित कर लिया है। प्रधानमंत्री ट्वीट कर कहा कि भारत सरकार विभिन्न उद्योगों ने मजबूत कारोबारी दिशा में कई हितकारकों साथ काम करती रहेली जिनसू आत्मनिर्भर भारत रा सामूहिक कोशिशा ने पूरी कर जा सके। आयो अपने सीधो ले चला प्रधानमंत्री री बैठक में जठे बे सीआईआई री बैठक ने संबोधित कर लिया है। आज यूनिकॉर्न्स नए भारत की पहचान भी बन रहे हैं। 7-8 साल पहले भारत में 3-4 यूनिकॉर्न्स रहे होंगे। आज भारत में करीब करीब 60 यूनिकॉर्न्स हैं। इनमें से 21 यूनिकॉर्न्स तो बीते कुछ महीनों में ही बने हैं। और ये बात आपने भी नोट की होगी कि यूनिकॉर्न्स अलग अलग सेक्टर में आ रहे हैं। हेल्थ टेक, सोशल कॉमर्स में यूनिकॉर्न्स का बनना ये संकेत दे रहा है कि भारत में हर स्तर पर कितना बदलाव हो रहा है। बिजनेस में रिस्क लेने की प्रवृत्ति, अपने सामर्थ्य पर भरोसा करने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है। इतनी बड़ी महामारी में भी हमारे स्टार्टअप्स के एम्बिशंस बुलंदियों पर है। इन्वेस्टर की ओर से भी इंडियन स्टार्टअप्स के लिए रिकॉर्ड रिस्पांस देखने को मिला है। स्टार्टअप्स की रिकॉर्ड लिस्टिंग भारतीय कंपनियां और भारतीय मार्केट के लिए एक नए युग की शुरुआत है। ये इस बात का भी एक और सबूत है कि भारत के पास ग्रोथ के असाधारण अवसर उपलब्ध है, ट्रिमेंडस स्कोप उपलब्ध है। साथियों, टेक्नोलॉजी को लेकर आज देश में जो उत्साह है वो सरकार को तेजी से रिफॉर्म्स के लिए प्रेरित करता रहा है। जो रिफॉर्म्स हमने किए हैं वो कोई आसान फैसले नहीं थे, कोई साधारण बदलाव नहीं थे। इन सारे रिफॉर्म्स की मांग दशकों से की जा रही थी, इनकी जरूरत हर कोई बता रहा था। इस बारे में बातें तो खूब होती थी लेकिन फैसले नहीं लिए जाते थे क्योंकि ये मान लिया गया था कि ये बदलाव करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन आपने भी देखा है कि हमने वही फैसले कैसे पूरी दृढ़ता के साथ लिए हैं, यहां तक कि पैंडेमिक के दौरान भी रिफॉर्म की प्रक्रिया जारी रखी। और आप ये भी देख रहे हैं कि देश कैसे इन फैसलों के साथ खड़ा हुआ है। जैसे कॉमर्शियल कोल माइनिंग की शुरुआत की गई है, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को खुलकर बढ़ावा दिया जा रहा है, डिफेंस सेक्टर में बड़े बड़े रिफॉर्म्स की शुरुआत की गई है, स्पेस और एटॉमिक सेक्टर जैसे एरियाज को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला गया है।
आज नॉन स्ट्रेटेजिक के साथ साथ स्ट्रेटेजिक सेक्टर में भी प्राइवेट प्लेयर्स को अवसर दिया जा रहा है, सरकार के नियंत्रण को कम किया जा रहा है। ये सब तो आप देख रहे हैं भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई री वार्षिक बैठक रो सीधो प्रसारण, जिनरे इन टाइम संबोधित कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सर नजर कुछ और समाचार मत है। संसद रा मानसून सत्र ने अनिश्चित काल खातर स्थगित कर दियो गयो है। सदन री कार्रवाई ने ले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत न्यारा न्यारा विपक्षी दलारा प्रतिनिधि मुलाकात करी। इन टाइम सदन ने सुचारू रूप से चलाबा और बतियों बती चर्चा करबा समेत विभिन्न मुद्दा माथे चर्चा करी जी। लोकसभा का मानसून सत्र आज समाप्त हुआ और मानसून सत्र के समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उन्होंने भेंट की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कक्ष में हुई इस भेंट में कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी भी पहुंचे और स्पीकर ओम बिरला से उन्होंने मुलाकात की। तृणमूल कांग्रेस, अकाली दल, वाईएसआरसीपी, बीजू जनता दल समेत कई विपक्षी दलों के नेता भी स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करने पहुंचे। ऐसे में ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां करती हैं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला का जो कक्ष था प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ साथ कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत तमाम नेता मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी ट्वीट भी किया है और उन्होंने लिखा है कि लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के बाद सभी दलों के नेताओं से आग्रह किया कि जनता के कल्याण तथा उनके अभावों को दूर करने के लिए भविष्य में सदन में चर्चा और संवाद को प्रोत्साहित करें। सुप्रीम कोर्ट काले राजनीतिक पार्टियां रा उम्मीदवार सारा अपराधीकरण से जुड़िया एक मामला में बड़ो फैसलो सुनायो है। इनके तहत अब सगली राजनीतिक पार्टियां ने उम्मीदवार रा ऐलान रा 48 घंटा रे माने मुकदमारी जानकारी देनी वाली। सुप्रीम कोर्ट कहा कि जनप्रतिनिधि के खिलाफ केस बिना हाईकोर्ट री अनुमति रे वापस नहीं वेलो। सुप्रीम कोर्ट 8 दला माथे जुर्मानो भी लगायो है। इन मामला में अगली सुनवाई 25 अगस्त ने हुली। सुप्रीम कोर्ट ने कल राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों के अपराधीकरण से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। इसके तहत अब सभी राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों के ऐलान के 48 घंटे के भीतर मुकदमों की जानकारी जारी करना जरूरी होगा। अदालत ने चुनाव आयोग से यह भी कहा है कि वो ऐप बनाए जहां मतदाता ऐसी जानकारियां देख सके। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ कोई आपराधिक मामला संबंधित हाईकोर्ट की मंजूरी के बगैर वापस नहीं लिया जा सकता है। बिहार चुनाव के दौरान अपने प्रत्याशियों के आपराधिक रिकॉर्ड मीडिया में प्रकाशित न करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 8 पार्टियों को अपने आदेश का पालन न करने के लिए अवमानना का दोषी माना है, जिसके बाद से अदालत ने जेडीयू, आरजेडी, एलजेपी, कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआई पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा सीपीएम और एनसीपी पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। शीर्ष अदालत ने इस फैसले का उद्देश्य राजनीति में अपराधीकरण को कम करना है। जस्टिस आर एफ नरिमन और बी आर गवई की पीठ ने इस संबंध में अपने 13 फरवरी 2020 के फैसले में निर्देश को संशोधित किया है। आदेश का पालन न होने पर निर्वाचन आयोग को सुप्रीम कोर्ट को सूचित करने का आदेश भी दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जयपुर में आए विधायक कार्य आवास राजस्थान आवासन मंडल और नगरीय विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन टाइम विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया मौजूद रहा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास कार्यक्रम में संबोधित करता थका मुख्यमंत्री कहा कि विधायक कार्य आवास बढ़वा सू विधायका ने और आम जनता ने सहूलियत मिल सकेली। पूरा प्रोजेक्ट जो है बहुत ही अच्छा बना है। इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है। मेरे पास तो सीपी जोशी जी और धारीवाली लेकर आए थे इस प्रोजेक्ट के लिए या कॉन्शन क्लब के लिए या विधायकों के फ्लैट देने की बात हुई सस्ते रेट के दरों के अंदर। और जो पूरे हाउस के हमारे मेंबर जो माननीय विधायक गण हैं सबकी जब एक से मंशा हो तो जहाँ मुझे आप लोगों ने बैठाया है और मेरी तो पहले नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं आप सभी भावनाओं का आदर करूँ। ये तो मेरा नैतिक कर्तव्य भी है। इसलिए खुशी है कि आज 5 करोड़ रुपये विधायकों को जब मिलने लगेगा, मिलने लग गया है
और मैं उम्मीद करता हूँ उसी रूप में वो अपने क्षेत्र में सेवा भी कर पाएंगे। प्रदेश का 6 जिला में जिला परिषद सदस्य रह साथ है 78 पंचायत समितियां में आज से चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। अधिसूचना जारी हो बारे साथ है उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र भरवा लग गया है। 3 चरण में चुनाव वेला पहला चरण की वोटिंग 26 अगस्त ने, दूसरी 29 अगस्त ने, तीसरा चरण की वोटिंग 1 सितंबर ने हुई। जिला प्रमुख और प्रधान खातर मतदान 6 सितंबर और उप प्रमुख और उप प्रधान खातर वोटिंग 7 सितंबर ने हुई। दौसा जिला निर्वाचन अधिकारी पीयूष सामरिया कानिसु जारी अधिसूचना रह साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। दौसा समेत प्रदेश का 6 जिला में पंचायत चुनाव खातर आज से पर्चा दाखिल होना शुरू हो गया है। 17 अगस्त तानी नामांकन पत्रारी जांच हुई और 18 अगस्त ने नाम वापस लिया जा सकेला। इंद्र पाछे उम्मीदवार ने चुनाव चिन्ह आवंटित कर जावेला। जिले में पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्यों की प्रक्रिया का लोक सूचना जारी कर दी गई है आज 11 अगस्त को। और ये मैं बताना चाहूँगा सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक का टाइम है अवेलेबल। जो पंचायत समिति सदस्य हैं वो अपने संबंधित रिटर्निंग अधिकारी जो नियुक्त किए गए हैं पंचायत समितियों के लिए उनके पास जाके अपना नामांकन जमा करा सकते हैं। और जो जिला परिषद के सदस्य हैं या जिला मुख्यालय पर कलेक्टर ऑफिस में चुनाव अधिकारी के सामने अपना नामांकन जारी किया जा सकता है। इसमें नाम निर्देशन का मैं बताना चाहूँगा 17 अगस्त तक रहेगा और नाम वापसी की तिथि 18 अगस्त तक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानिसु उज्ज्वला योजना रे तहत लाभार्थियों ने कनेक्शन रे साथे भरियोड़ो एलपीजी गैस सिलेंडर मुफ्त में दियो जा रही है। शहरी और ग्रामीण लाभार्थी इन खातर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो आभार जतायो है। माका संवाददाता राहुल शर्मा री एक रिपोर्ट। जिला गैस मान फ्री में मिले छे और बढ़िया काम कर दिया मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैं गरीब आदमी की सहायता उजला गैस मान फ्री मिले थे मोदी जी को धन्यवाद। जो मान उजला गैस फ्री में दुआयो और चौमासा में बहुत परेशानी हो थी बड़ी थोड़ी तो मुको मिला सो एक सौ और मान उजला गैस मिले थे जिस बहुत लाभ मिलो मान और मान फ्री भी मिलो गैस सिलेंडर सब कुछ। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जोधपुर रा डॉक्टर देश में बढ़ता डायबिटीज रोगियों की संख्या माते चिंता जताता थका सुझाव दियो है कि इंडर रोकबा खातर सरकार ने बाजार में अबाड़ा प्रोसेस्ड फूड रा पैक माते एंट्री सूचना देनी चाहिए जिनसे लोग जान सके कि यो कितो खतरनाक है। एम्स जोधपुर सामुदायिक और पारिवारिक चिकित्सा विभाग रा अतिरिक्त प्रोफेसर डॉक्टर पंकज भारद्वाज बताया कि एम्स जोधपुर और एम्स ऋषिकेश रा संयुक्त तत्वावधान में कार्यक्रम शुरू करी जो है। इनमें अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट रा सेवन से बड़ा नुकसान री जानकारी दी जावेली। शुरू किया गया है उसमें हम इस बात के ऊपर जन सामान्य को जानकारी दे रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि ये वो समय आ गया है जब हम जो वस्तुएं बाजार से खरीद रहे हैं खाने के लिए उनको हम एक पैकेज्ड फूड कहते हैं जिन्हें बच्चे खूब खाते हैं बड़े खूब खाते हैं वो इस तरह से लें कि उनके फ्रंट ऑफ पैकेज पर पूरी तरह से एक लेबल हो जिस पर ये लिखा हो सही ऐसी जानकारी दी गई हो जो सामान्य भाषा में भी हो जिसमें ये पता चले कि इसमें कितनी कैलोरीज एक इंसान खा रहा या फिर ये भी लिखा हो कि उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ कितनी है। इसको हम फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग कहते हैं। जैसा आप जानते हैं इस समय डायबिटीज़ का खतरा पूरे विश्व पर है और भारत को तो डायबिटीज़ की कैपिटल भी कहा गया है। तो अब धीरे धीरे वो समय है जब बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो कंज्यूमर्स हैं वो बहुत जागरूक हों और जब वो ये देखें कि इसमें कितनी कैलोरीज है इसमें कितनी वसा है इन सब की जो एक सही जानकारी है वो फ्रंट ऑफ पैकेज से दी जाए। प्रदेश भर में आज तीजरो त्यौहार पारंपरिक हर्षोल्लास से साथ मनायो जा रही है। लुगाया पार्वती स्वरूपा तीज माता री पूजा अर्चना कर अखंड सौभाग्य री कामना कर रही है। कोरोना रे चलता इन दफा भी तीज माता री सवारी नी कट जावेली।
हरियाली तीज रे मौके राज्यपाल कलराज मिश्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेशवासियों ने शुभकामना दीनी है। राज्यपाल एर मुख्यमंत्री आपरा संदेश में कहा कि हरियाली री छटा बिखेर वालो त्यौहार सगला रे जीवन में खुशियां लावे लो। राजस्थान में घेवर एक मिठाई नहीं बल्कि एक परंपरा है। तीजरे मौके खास तौर से बनाए जावा वाली इन मिठाई रो एक अलग ही महत्व है। पेश है एक रपट। राजस्थान संस्कृति से भरपूर एक ऐसा प्रदेश है जहां विभिन्न तीज त्योहार इसमें उल्लास और उमंग भर देते हैं, और वहीं इन तीज त्योहारों पर खाई जाने वाली खास मिठाई है यहाँ के घेवर। वैसे तो घेवर पूरे वर्ष भर मिठाई के रूप में खाए जाते हैं, लेकिन राजस्थान में सावन के महीने और तीज के त्योहार पर यह घेवर एक परंपरा का हिस्सा भी हैं। घेवर जहाँ पहले मीठे, फीके और मावे की रबड़ी लगे दुकानों पर उपलब्ध थे, वहीं वक्त के साथ इसके जायके में भी बढ़ोतरी हुई है। अब प्रतिष्ठानों में पनीर के घेवर भी बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। एक्चुअली घेवर में बहुत वैरायटी है इन लोगों के पास में, और ज़्यादातर रबड़ी वाला घेवर बहुत अच्छा है इनका, और तीज है तो घेवर तो चाहिए। नहीं, तीज एक्चुअली सुहाग का निशानी है कि हम लोगों की तीज जो बनाई जाती है सुहाग के, उसे जैसे करवा चौथ होता है वैसे ही तीज होती है। इसमें पियर से यहाँ तीज घेवर आता है एक्चुअली, तो मतलब घेवर एक शगुन है हम लोगों के लिए। यहाँ पे सर दोनों ही तरह के घेवर लेके लेने आया हूँ, एक तो मीठे वाले और रबड़ी वाले, दोनों घेवर लेने आया हूँ। ज़्यादा तो ये मीठे वाले घेवर ही पसंद है, लेकिन मेरी बिटिया को जो है रबड़ी वाले घेवर पसंद है, इसलिए मैं उसके लिए रबड़ी वाले घेवर भी लेऊंगा। नए लुक में जो उनको चाहिए रबड़ी का घेवर और एक मीठा घेवर, दोनों पसंद कर रहे हैं। लेकिन अगर अपन बात करें कुछ तरीके से, पुराने तरीके से बात करें, तो उनको पनीर घेवर और फीका घेवर ज़्यादा पसंद है। 30 से 1 दिन पहले, जिसे हम लोग सिंजारा बोलते हैं, दो परिवारों को जोड़ने का काम करता है। एक दो परिवारों का मेल होता है, जहाँ इस त्यौहार की मिठाई के रूप में, फेस्टिवल के रूप में घेवर दिया जाता है, ताकि समधी के यहाँ जो जाता है वो घेवर ही एक मेन मुख्य मिठाई के रूप में परोसी जाती है। घेवर का मिठाई के रूप में खान पान के अलावा ये एक परंपरा का हिस्सा भी है जो हमारी संस्कृति की धरोहर है। कैमरामैन केदार प्रसाद शर्मा के साथ मनीष शर्मा की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। जयपुर स्थित भगवान महावीर विकलांग समिति में आज केनरा बैंक का निशु दिव्यांग जना ने ट्राई साइकिल रो वितरण करियो गयो। इन मौके बैंक रा महाप्रबंधक आरपी जायसवाल बताया कि सामाजिक सरोकार रा कामारे अंतर्गत जरूरतमंद लोगों ने मदद करबारो काम करियो जावे है। आज कुछ ट्राईसाइकिल और कुछ व्हीलचेयर्स देने का संकल्प किया है हमने, और भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के माध्यम से बेनिफिशरीज को यहाँ चुना गया है। हमें जानकर बड़ी खुशी है कि वास्तविक बेनिफिशरी को यहाँ पर ये ट्राईसाइकिल और व्हीलचेयर्स कैनरा बैंक की तरफ से दी जा रही है। डूंगरपुर जिलारा नवोदय स्कूल माए प्रवेश खातर आज परीक्षा आयोजित करी जी। जिला माए 43 केंद्र माध्यम से परीक्षा रो आयोजन करियो गयो। जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला परीक्षण सेंटर रो निरीक्षण कर व्यवस्था रो जायजो लियो। प्रदेश में बरसात रा मौसम में मौसमी जनित बीमारियां रो प्रकोप बढ़बा लाग्यो है। शफाखाना में बुखार, पेट दर्द और उल्टी समेत वायरल रोगियों की संख्या बढ़बा लागी है। जयपुर रा जेकोलोन अस्पताल रा अधीक्षक डॉक्टर मनीष शर्मा बताया कि सामान्य दिना में अस्पताल री ओपीडी 1100 से 1200 तय पूग रही है। इनमें आधा सौ बत्ता मरीज मौसमी बीमारियों से पीड़ित आ रहा है। मौसम चेंज होता है तो ये जो सीजनल डिजीजेज है, जिनको की वायरल इलनेसेस भी कहा जाता है,
ये हर साल बढ़ती हैं क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और उस ह्यूमिडिटी से जो वायरस हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं क्योंकि वायरस अमूमन ह्यूमिडिटी से एक्टिवेटेड रहते हैं। तो इस सीज़न के अंदर सीजनल डिजीज़ेस आने लग गए हैं वापस से। दूसरी मॉस्किटो बॉर्न इलनेस जो होती हैं उसके भी पेशेंट्स हमारे पास अब आने लग गए हैं क्योंकि बारिश अब पूरे राजस्थान के अंदर हो रही है तो केसेस आने लग गए हैं। ओपीडी भी जेके लॉन का इस समय बढ़ गया है। बीच में कोविड के कारण थोड़ा सा ओपीडी कम हो गया था लेकिन अब ओपीडी भी वापस जो कि अमूमन जेके लॉन का 1100-1200 पेशेंट पर डे का रहता है उतना होने लग गया है। बाकी अगर मौसमी बीमारी की बात करें हम तो मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए हम सिर्फ यही कहेंगे कि छोटे बच्चों को और इवन बड़ों को भी पूरी बांह के कपड़े पहन के बाहर निकलना चाहिए। ऐसी जगह जहाँ पे कि मच्छर होने की संभावना ज़्यादा होती है जैसे कि मॉर्निंग वॉक पे आप गार्डन के अंदर जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं तो पूरे स्लीव्स के कपड़े और जूते पहन के जाएँ जिससे कि आपको मॉस्किटो बाइट नहीं हो। घर के अंदर भी आप मॉस्किटो प्रिवेंशन के लिए जो भी आइटम्स अवेलेबल होते हैं उनको काम में लेना चाहिए। तो मच्छर ना काटें खुद को भी और छोटे बच्चों को भी एक इस बात का ध्यान रखें। बूंदी जिला में भरपूर संख्या में प्राचीन जल स्रोत होवारे बावजूद जिला प्रशासन इन जल स्रोतों का संरक्षण और मरम्मत ने लिए लापरवाह बनो है। जिला रा गेंडोली और फालाई पंचायत में दर्जना तालाब कुंडर बावड़िया है जो लंबा टेम ताएं लोगों खातर पानी रो खास स्रोत रिया है पर जिला प्रशासन और पंचायती राजी लापरवाही रे चलता ए जल स्रोत पूरी तरह से खत्म होबारी कगार माते है। और पानी छानने की प्रक्रिया भी थी। धीरे धीरे सरकार की अनदेखी के कारण वह सिल्ट वाल्व टूट रहे हैं, बावड़ियाँ भर रही है और वह जो जल संरक्षण का काम है वह रुक रहा है। पंचायती राज में जो मनरेगा है उसमें भी ये जल संरक्षण के कार्य को शामिल किया जाना चाहिए पंचायती राज विभाग को कि उन्होंने इस नवाचार को अपने कार्यक्रम में शामिल किया है। लेकिन ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब बरसात आ गई और बरसात आने के बाद में वो पानी तो बह के चला गया। ये कब काम शुरू होगा, कब सारी व्यवस्था होगी, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अगले वर्ष हम फिर इन सहेजेंगे। और पंचायत राज ने जो कदम उठाया वो सराहनीय कदम उठाया। वो प्राचीन धरोहर बावड़िया कुंड है, इनका संरक्षण होना चाहिए। लेकिन ये बरसात के पहले उठता तो ज़्यादा ठीक रहता और सभी जिलों में बावड़िया कुंडों का होना चाहिए। पंचायत राज विभाग इसके द्वारा जो प्राचीन जल संरचनाएँ हैं यथा वो बावड़ी हो सकती है, कुआं हो सकता है या अन्य कोई भी जो झोपड़ वगैरह वो हो सकता है, इसको सुधारने के लिए हम आम जनता के अलावा स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ में और सरकारी भागीदारी को बढ़ाते हुए ग्राम पंचायत के माध्यम से जहाँ जहाँ भी आवश्यकता होगी हम लोग इन जो वाटर बॉडीज है इनके संरक्षण के कार्य महानरेगा योजना अंतर्गत स्वीकृत करने की स्थिति में है। जहाँ से भी इसमें विधिवत प्रस्ताव प्राप्त होगा तत्काल प्रभाव से उसको इस योजना के तहत में स्वीकृति करा करके उसके संरक्षण कार्रवाई का प्रोत्साहन देने में हम सहयोग प्रदान। किणी टेम में जयपुर खातर जल आपूर्ति रो खास स्रोत्र मान्यो जावाड़ो रामगढ़ बाद अतिक्रमण रे चालता अपना स्वरूप खोबारी कगार माथे है। पेश है एक रिपोर्ट। एक समय में जयपुर के लिए जलापूर्ति का मुख्य स्रोत माना जाने वाला रामगढ़ बांध अतिक्रमण की भेंट चढ़ गया है। बांध की जमीन पर लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण के कारण अब यहां पानी की आवक बिल्कुल समाप्त हो गई है। रामगढ़ बांध बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक सूरज सोनी ने बताया कि सरकार के उदासीन रवैये और अतिक्रमण के कारण रामगढ़ बांध में पानी की आवक रुक गई है। रामगढ़ बांध है जो 1897 में बना हुआ था, 16 साल तक पानी पिलाया जयपुर को। लेकिन आज जो स्थिति है, एक तो बरसात की कमी होना, इसमें बारिश में पानी नहीं आ रहा। दूसरा जो अतिक्रमण की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से अतिक्रमण वो है जो कि जमारामगढ़ की जो इसका कैचमेंट एरिया है वहाँ से जहाँ पानी आता है उस पानी में खेती होने लग गई लाखों बीघा ज़मीन में, तो पानी खेत के खेत में रुका हुआ। रामगढ़ के अंदर 5 नदियाँ और 117 नालों का जो पानी आता था वे तमाम रास्ते, वे तमाम नाले, वे तमाम नदियाँ ब्लॉक कर दी गई है भूमाफियाओं के द्वारा। अतिक्रमण कर लिया गया है, बड़े बड़े रिसोर्ट बन गए वहाँ पे, बड़े बड़े फार्म हाउस बन गए वहाँ पे और व्यावसायिक गतिविधियों के जो संचालन केंद्र हैं वे वहाँ पे स्थापित हो चुके हैं। उनके चलते हुए रामगढ़ बांध के अंदर जो नदियाँ पानी लेकर के आ रही थी, जो नाले बरसाती पानी पहाड़ों से लेकर के आ रहे थे, उनका आवागमन अवरुद्ध हो गया और रामगढ़ बांध के अंदर एक बूंद भी पानी नहीं पहुंच रहा है।
वहीं क्षेत्रीय निवासियों का कहना है कि प्रशासन की लापरवाही और ठोस नीति नहीं बनाने के कारण रामगढ़ बांध की यह स्थिति हो गई है। कुछ प्रशासन की भी लापरवाही छे, टेंडर वगैरह करवा दिया एंड साल संभाल कौन कर रहा है, कमेटी आओ छे जो ढसा सा लोगान दासन दे जाओ छे, कुछ कार्रवाई कौन करे। पहलो कारण कुछ बरसात भी कम हो रही छे, लोग फार्मास वगैरह बड़ा पानी रोक लिया, यही मेन कारण छे। बरसात भी थोड़ी बहुत कम हो रही छे, यह अतिक्रमण है उसको हट जाए और बरसात आ जाए तो इसके पानी और भी आ जाए तो आसपास के गांव में भी बढ़िया फायदा है, सब चीज़ों कुआ कोटा में सब फायदा हो जाए। मौसम, प्रदेश में मानसून री बिरखारो दौर धीमो पड़ियो है। मौसम महकमा रे मुजब पश्चिमी हवावर चलता मानसून कमजोर हो गयो है। मौसम महकमा रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि आने वाला 5-6 दिन ताई प्रदेश रा घणघर स्थान माते मौसम सूको रहेलो। वे कहो कि 17 अगस्त रे पाछे मानसून एक बार फेरू प्रदेश में सक्रिय हुए लो। फिलहाल मानसून ट्रफ अपनी नॉर्मल पोजीशन के नॉर्थ में है, यानी राजस्थान के ज़्यादातर भागों में पश्चिमी हवाओं का प्रभाव है। वर्तमान परिस्थिति के अनुसार अगले 5-6 दिन राजस्थान के ज़्यादातर भागों में बारिश की गतिविधियों में कमी रहेगी, यानी मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में केवल छुटपुट स्थानों पर, 1-2 स्थान पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। अगले 5-7 दिनों के दौरान राजस्थान में भारी बारिश होने के लिए भी परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं। कोरोना से बचनो है तो माने वैक्सीनेशन कराना वेलो, आओ आप अभी शामिल हुआ वे कोरोना रा जन जागरण अभियान में। अफवाहों पर वैक्सीन से जुड़े अप्रचार को कोई हवा न मिले, देश और दुनिया के अनेक सारथी तत्व हमारे इस अभियान में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसी हर कोशिश को देश के हर नागरिक तक सही जानकारी पहुंचाकर हमें नाकाम करना है। अरे आज रेन बुलेटिन के खास का समाचार माते एक नजर फेरूं। संसद रा मानसून सत्र अनिश्चित काल खातर स्थगित। लोकसभा अध्यक्ष सो प्रधानमंत्री समेत सत्तापक्ष रा नेता और विभिन्न विपक्षी दलारा प्रतिनिधि सदन ने सुचारू रूप से चलावा समेत कई मुद्दा माते करी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय उद्योग परिसंघ की वार्षिक बैठक ने कर रिया है संबोधित। उद्योगारा संबंधित विभिन्न पहलुओं माथे राख्या जा रिया है विचार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधायकारा आवास हाउसिंग बोर्ड और नगरीय विकास परियोजना वो कर शिलान्यास। कया आवास योजना से विधायिका जनता ने मिलेली सहूलियत। प्रदेश राज 6 जिला में जिला परिषद सदस्य समेत 78 पंचायत समितियां में नामांकन भरभारी प्रक्रिया हुई शुरू। 3 चरण में हुए चुनाव।
प्रदेश भर में हर्षोल्लास साथ मनायो जा रो है हरियाली तीज रो त्यौहार। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेशवासियों ने दी शुभकामनावां। इंडिया साथ आज रो यो समाचार बुलेटिन अठो रिपोर्ट रो साहब नमस्कार।